Hi friend, welcome to our new YouTube channel RN Coaching Campus, and I am your polity teacher Rajat Sahni, and I am going to teach you polity today. So let's begin. तो एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि ये लेक्चर जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी, यानी कि हम यहाँ पर इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करेंगे जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि इनकी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती हैं, तो शायद ऐसा आपके साथ नहीं होगा, फिर देखते हैं आगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ पॉलिटी और पॉलिटिक्स के बीच का डिफरेंस। एक है पॉलिटी और पैरेलली है पॉलिटिक्स। तो मैं आपके एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो है पॉलिटी, ना कि पॉलिटिक्स। हमें पढ़ना है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी का मतलब ही है कि हम किसी भी कंट्री की या किसी भी रीजन की गवर्नेंस के बारे में स्टडी करेंगे, और पॉलिटिक्स का मतलब होता है जनरली पॉलिटिकल डिबेट्स जो हम आजकल हमारे लीडर्स या हमारे मिनिस्टर्स वगैरह करते हैं। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या जानना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग जाननी है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, और बाकी सारी चीज़ें आगे आगे हम देखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड है, सबसे पहले डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, तो एक लीडर हुआ करते थे एम एन रॉय, जो एक कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमने देखा कि हमें क्या कहते जब अंग्रेज आए यानी ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, फिर उसके बाद हमें उनके रूल्स फॉलो करने होते थे, पर लोगों में एक तरीके से उसी टाइम हम देखें कि उसके पहले रेवोल्यूशन हुए थे वेस्टर्न कंट्री में इतने सारे, तो जिसकी वजह से कुछ फिलोसफर्स थे जिनका इन्फ्लुएंस क्या हुआ हमारे कंट्री के ऊपर भी पड़ा, और लोगों को लगा कि नहीं हम लोग नेचुरल हैं, यानी नेचर ने हमें बर्थ दिया है, तो हम सभी का ये मतलब हम सभी को रोना चाहिए कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्न करे, ना कि किसी और का, हमारे ऊपर किसी के और के रूल ना चले जो बाहर से आए हमारे ऊपर रूल करते थे। तो इसीलिए हमारे कम्युनिस्ट लीडर एम एन रॉय ने 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी। उन्होंने कहा कि हमारी एक खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सुझाव दिया एम एन रॉय ने। फिर उसके बाद 1935 में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका आपको मालूम है बर्थ हुआ था 1885 में, वो भी दिसंबर में, और पता होगा किसने किया था, A.O. ह्यूम ने। तो 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी ऑफिशियली ये ऐलान किया कि हमें अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, यानी कि संविधान बनाएगी। फिर उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा कि हमारे देश के लिए अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी
ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया कि हमारे जल्दी क्या होगा, हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो हमारे देश का संविधान बनाएगी। 1940 में फिर इस बात को क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने मान लिया, यानी कि अगस्त 1940 में इंग्लिश यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस चीज को एग्री हो गए कि वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर देंगे। पर फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं अगस्त, तो 1940 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये बात मान ली हमारी कि हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर देंगे, और जिसको कहा गया अगस्त ऑफर, जो कि अगस्त 1940 में अग्री हुआ। फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया, जो कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने आया था, जिसके चेयरमैन थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इस क्रिप्स मिशन को लोगों ने डिनाई कर दिया, यानी कि इसकी इसके लिए लोगों ने क्या किया, लोग इसका प्रोटेस्ट करने लगे। क्यों? जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये क्रिप्स मिशन जो था इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे मेंबर्स कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, तो जिसके चलते इंडियंस ने क्या किया, इसको लौटा दिया। फिर इसके बाद 1946 में इंडिया कैबिनेट मिशन आया। ये जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया, तो इस कैबिनेट मिशन पे इंडिया आने के बाद, ये कैबिनेट मिशन भी इसीलिए इंडिया भेजा गया था कि ये इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा। पर उस समय मुस्लिम्स का कहना था कि हमारे लिए अलग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और इंडियंस के लिए अलग बनाई जाएगी। पर उन्हें फिर भी क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन में कुछ हद तक मुस्लिम लीग को फिर भी उन्होंने राजी करा लिया, और फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना शुरू किया। और 1946 में हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। तो इस तरह हमने देखा कि 1946 तक आते आते, यानी हम 1934 से स्टार्ट हुए और 1946 तक आते आते हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिरकार अल्टीमेटली बन ही गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब उस असेंबली को शुरू होना था, यानी कि उस असेंबली को अपना काम भी शुरू करना था। तो फिर फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, अलग अलग मेंबर्स भी आए। तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई। पर उस समय उभय 1946 यानी 9 दिसंबर 1946 जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला दिन था, तो इसीलिए उस दिन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी एल्डेस्ट मेंबर होता था उसको उसका हेड बनाया गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड बनाया गया। पर फिर से 11th ऑफ दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर इकट्ठा हुई, और 11th दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही चुने गए। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और फ्रेंड वाइस प्रेसिडेंट दो थे, एक थे वीटी कृष्णमाचारी
और दूसरे थे एच सी मुखर्जी। तो इस तरीके से 9th ऑफ दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई, फिर उसके बाद 11th ऑफ दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 13th ऑफ दिसंबर को फिर से स्टार्ट हुई। 13th ऑफ दिसंबर 1946 को असेंबली फिर से स्टार्ट हुई और 13th दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने रेजोल्यूशन पास किए, यानी कि उन्होंने जब 13th दिसंबर 1946 को फिर से असेंबली आई, इकट्ठी हुई, यानी फिर से गैदर हुए मेंबर्स, तो उन्होंने 13th दिसंबर को रेजोल्यूशन पास किया और ये रेजोल्यूशन 26th ऑफ जनवरी 1947 को असेंबली में पास भी हो गया। आइए देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 30th ऑफ दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखे थे और जो 22nd ऑफ जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हो गए थे, यानी कि 22nd ऑफ जनवरी 1947। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सबसे पहले था आउटलाइन द फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, मतलब कि है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा वो क्या रहेगा, वो फंडामेंटल होगा यानी कि डाउन टू अर्थ और लोगों से रिलेटेड होगा, एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। फिर सेकंड, इंडिया एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। इंडिया क्या होगी, एक सोवरेन रिपब्लिक कंट्री होगी। इंडिया आज भी सोवरेनिटी को ही एक्सेप्ट करे हुए है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सोवरेन का मतलब क्या होता है। सोवरेन का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री या कोई भी टेरिटरी जो किसी दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करती है, यानी कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को हम सोवरेन बोलते हैं। तो हमारी जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट है और सोवरेन रिपब्लिक कंट्री है, मतलब कि इंडिया ना तो किसी के अफेयर्स में इंटरफेयर करेगी और ना ही इंडिया ये बर्दाश्त करेगी कि कोई उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करे। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि ये कि जब 1947 में इंडिया आजाद हो जाएगा तो उसके बाद इंडिया की गवर्नेंस को, यानी कि इंडिया की जो बेसिक गवर्नेंस होगी, जो इंडिया के सब्जेक्ट्स यानी कि पीपल्स को गवर्न करेगी, उससे रिलेटेड होगी। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ टेरिटरी, और इंडिया क्या है, इंडिया यूनियन ऑफ टेरिटरी होगा। जैसा कि हमें मालूम है फ्रेंड, यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इंडिया की तरह यूनियन नहीं है, ये क्या है, ये स्टेट्स का एक फेडरेशन है। इसीलिए हमें ये भी मालूम है कि जो यूएसए है, यूएसए की जो गवर्नेंस है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर इंडिया की क्या है, यूनिटरी एज वेल एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। तो उसको मैं आपको आगे के लेक्चर्स में एलैबोरेट करूंगा जिससे आपको बहुत बेसिक तरीके से समझ में आएगा। तो इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ टेरिटरी, इंडिया क्या, इंडिया टेरिटरीज का एक यूनियन होगा। टेरिटरीज में क्या है, टेरिटरीज में फ्रेंड्स स्टेट भी आती है, जैसा कि हमें नॉर्मल लैंग्वेज में मालूम है इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज है, पर यहां पे टेरिटरीज का मतलब है टेरिटोरियल एरिया, ईदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ऑल पावर डेराइव फ्रॉम पीपल, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर इंडिया की गवर्नेंस वर्क करेगी, मतलब कि जो भी गवर्नेंस आगे चलकर आएगी या जो भी सरकारें बनेंगी वो लोगों से ही पावर अपनी लेंगी, यानी कि देश की जो सरकार आएगी वो लोगों के द्वारा ही चुनी होगी, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद ऑल पीपल ऑफ इंडिया गारंटी, अब इंडिया के जो भी लोग होंगे, यानी कि इंडिया के जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको जस्टिस किस किस बेसिस पे, सोशल यानी कि सोसाइटी के बेसिस पे जस्टिस मिलेगा, यानी कि सोशल लेवल पर उनके साथ किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ उनको
हमेशा जस्टिस मिलेगा इकोनॉमिक बेसिस पे और पॉलिटिकल बेसिस पे। यानी कि पॉलिटिकल बेसिस पे मतलब कि सबको हम जानते हैं वोटिंग राइट्स दिए हुए हैं, इकोनॉमिक बेसिस पे भी सबको क्या जस्टिस मिलेगा। नेक्स्ट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि सबको अपॉर्चुनिटी बराबर बराबर तरीके से दी जाएंगी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ के सामने, यानी इंडिया में कानून के सामने हर कोई बराबर होगा, वो भले ही सरकार का कोई एक मेंबर हो या फिर एक कॉमन पीपल आप और हमारे जैसा, वो क्या होगा, वो लॉ के सामने बराबर ही होगा और हर किसी को अपॉर्चुनिटी बराबर बराबर दी जाएंगी। पर फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 और 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएंगे अपॉर्चुनिटीज में। तो जस्ट बिकॉज इसीलिए हमारी कंट्री में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है। वैसे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, पर उन बैकवर्ड क्लासेस को प्रिविलेज प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे उनका भी अपलिफ्टमेंट हो और वो भी क्या हो, आगे आए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू लॉ एंड मोरालिटीज, यानी कि हमारे यहाँ कानून के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, गवर्नमेंट काम करेगी। यानी कि हमारे यहाँ जो होगा वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, हमारे यहाँ की गवर्नेंस लॉज के अकॉर्डिंग चलेगी, इसीलिए हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि ये जवाहरलाल नेहरू जी ने 13th of December 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखे थे लोगों के सामने और इनको इलेबोरेट भी किया था। जब उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस रखे, फिर वो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या हुए, ये 22nd of January 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अनएनिमसली, यानी कि बिना किसी भी विरोध के ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास कर लिए। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने रेजोल्यूशन तो हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किए थे, पर उससे थोड़ा सा पहले हमें कॉम्पोजिशन भी देखना है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली CA, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फ्रेम की गई थी उसमें कितने मेंबर्स थे। तो जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम की गई थी तो उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया को बिलोंग करते थे, और 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स को बिलोंग करते थे। तो इस तरीके से 389 मेंबर्स का डिवीजन था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया को 296 और प्रिंसली स्टेट्स को 93। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए बनाई गई थी, पर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर हम बेसिकली देखें तो इलेक्टेड पीपल भी थे और नॉमिनेटेड पीपल भी थे। मतलब कि ये जो असेंबली थी इसमें इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड पीपल्स वर देयर। 296 belongs to British India and 93 belongs to princely state. अब यहां पर अगर हम देखें British India, तो British India में 292 members थे British India वाले, और 4 members जो थे वो Chief Commissioner की region से आते थे। यानी कि ये जो ये 4 मेंबर्स थे ये चीफ कमिश्नर की असेंबली से रीजन से आते थे, और 292 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया स्टेट से रीजन से आते थे,
और ये 1793 जो थे ये प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब कि ये जो 292 मेंबर्स थे, इन 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था, और ये 93 मेंबर्स जो होते थे ये प्रिंसली स्टेट्स से आते थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब ये है कि क्या हुआ कि जब 1858 में क्राउन रूल इंडिया में आया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ इनेक्ट किया कि अब वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को खत्म कर देंगे, मतलब कि अब जितना एक्सपेंशन इंडिया में उनका हो चुका है उसके आगे वो एक्सपेंशन नहीं करेंगे। तो जहां जहां उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर लिया था उसे उन्होंने बोल दिया ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रिटिश पोजेशन बोल दिया, और उसके बाद जो स्टेट्स रह गई थी उसे उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स बोल दिया। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब ये था कि वो प्रिंसली स्टेट्स राजा महाराजाओं के अंडर में होती थी, यानी कि राजा रजवाड़ों के अंडर में होती थी, पर उन पे डोमिनेंस होता था ब्रिटिश का। तो इसी तरीके से ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स से मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। तो हमने देखा 398 मेंबर्स थे, फिर इसमें जो 292 मेंबर्स प्लस 4 मेंबर्स प्लस 93 मेंबर्स, ये मिला के 389 टोटल मेंबर्स हो गए। अब ये जो 292 मेंबर्स थे ये ब्रिटिश इंडिया से आते थे, ये 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नर रीजन से आते थे, और ये 93 प्रिंसली स्टेट्स से आते थे। अब इसमें क्या होता था, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे ये जो 292, इन्हें इलेक्ट किया जाता था पॉपुलेशन के बेसिस पर, मतलब कि पूरे पॉपुलेशन में 3 मेन सोसाइटीज होती थी, मुस्लिम्स, जनरल एंड सिख। जनरल में मुस्लिम्स और सिख को छोड़ के हर कैटेगरी के लोग या हर सोसाइटी के लोग इसमें आते थे जनरल में। तो इन्हीं यही 3 जो सोसाइटीज होती थी यही इलेक्ट करती थी 292 मेंबर्स को, और ये जो मेंबर्स यहां से होते थे ये इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बेसिस पर होते थे। तो इस तरीके से ये 292 मेंबर्स हो गए, 4 मेंबर्स ये हो गए, 93 ये हो गए। फिर क्या हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शंस हुए जिसमें 208 सीट्स कांग्रेस को मिली, 208 सीट कांग्रेस को मिली और 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिली। पर जैसा कि मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग शुरू से ही इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्हें एक अलग रीजन चाहिए यानी कि पाकिस्तान चाहिए, तो वो इस असेंबली को बॉयकॉट कर दिया था उन्होंने स्टार्टिंग में। उन्होंने जब मैंने आपको पहले बताया जब 9th of December 1946 को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गैदर हुई थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर्स ही थे जिन्होंने उस असेंबली को अटेंड किया था, और बाकी इसी तरीके से फिर 11th of December को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया, फिर 13th of December को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को राइट्स दे दिए कि आपको जिस तरीके से भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चलाना है और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है आप उस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये राइट्स दे दिए कि जो भी
लॉज पहले से चले आ रहे हैं इंडिया में, यानी कि 1947 के पहले के जो भी लॉज इंडिया में चले आ रहे हैं वो सारे के सारे लॉज इंडिया क्या कर सकता है, उसको एब्रोगेट कर सकता है, यानी कि खत्म कर सकता है, निषेध कर सकता है, और अपनी असेंबली के थ्रू वो अपनी कंट्री के लिए अपने अकॉर्डिंग फिर से नए लॉज बना सकता है, एक चीज। दूसरी चीज, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इकट्ठी हुई तो मुस्लिम लीग को छोड़कर, यानी कि मुस्लिम लीग ने तो पहले ही मना कर दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेगी, तो वो मुस्लिम मेंबर्स जो इंडियन डोमिनियन के थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया और वो उन्होंने उसको अटेंड भी किया। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हमारा इंडिया में आया। फिर इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि कई सारी मेजर और माइनर कमिटीज बनी और इन मेजर और माइनर कमिटीज ने मिलकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और कई सारे काम किए। इसमें क्या होता था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग दो काम करती थी। एक तो एज अ टेम्पररी पार्लियामेंट का काम करती थी, टेम्पररी पार्लियामेंट, जो कि आज के टाइम में हमारी पार्लियामेंट करती है लॉज को लेजिस्लेट करने का काम, और दूसरा ये एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी काम करती थी। तो ये क्या करती थी, ये ऑल्टरनेट डेज में काम करती थी, मतलब कि ये एक समय में टेम्परेरी पार्लियामेंट का काम करती थी, यानी कि इंडिया के लिए ये लॉज एनेक्ट करती थी, यानी कि एज अ लेजिस्लेचर का काम ये करती थी। और एक समय में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करती थी। तो जब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करती थी तो इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, और जब भी यह एज अ टेम्परेरी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, यानी जब ये एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी, यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी, तो इसको प्रेसाइड ओवर यानी हेडेड कौन करता था, जीवी मामलंकर। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कुछ राइट्स दिए। फिर इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, कुछ मेजर कमिटीज आई, कुछ माइनर कमिटीज आई, और उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग कमिटी। तो कुछ हमने मेजर और माइनर, कुछ मेजर कमिटीज हैं और कुछ माइनर कमिटीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा बनाई गई थी। तो उसमें से सबसे मेन थी ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, और ये 7 मेंबर्स में पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें हम मॉडर्न मनु भी कहते हैं और जिसे हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मॉडर्न मनु किसे कहा जाता है, तो मॉडर्न मनु किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। फिर थे एन गोपाला स्वामी अय्यंगर, तीसरे मेंबर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवें मेंबर थे एन माधव राव, पर इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, बी आर मित्तर को, क्योंकि ये बीमार पड़ गए थे, जिनकी वजह बी एल मित्तर को रिप्लेस करके एन माधव राव आ गए थे। फिर उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी, जिन्होंने डीपी खेतान को रिप्लेस किया था जो 1948 में मर गए थे, इनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी आ गए थे। अब एक चीज आप कंफ्यूज मत होना, ड्राफ्टिंग कमिटी में टीटी कृष्णमाचारी हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11th दिसंबर 1946 को दो वाइस प्रेसिडेंट बने थे उसमें से वो एक थे वीटी कृष्णमाचारी, यानी विक्ट्री वाला,
VT और ये है TT, जैसे ट्रेन में TT होता है उसी तरीके से ये TT कृष्णमाचारी और वो थे VT कृष्णमाचारी जो 11th ऑफ दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। इस तरीके से तो इसमें हमने देखा ड्राफ्टिंग कमेटी है, फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना ड्राफ्ट पूरा करके फरवरी 1948 को पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने फरवरी 1948 को अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसमें उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 365 आर्टिकल्स थे, 365 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल्स थे। पर अब एट प्रेजेंट हम देखें आज के टाइम में करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 465 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था। पर मैं अगर आपको बताऊं कुछ और चीजें तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के बाद जो 26th of November 1949 को तैयार हो गया था, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली 26th of November 1949 को तैयार कर लिया गया था। अगर आप हमारे प्रीएम्बल को पढ़ें यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे 26th of November 1949, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल ड्राफ्ट 1949 में 26 नवंबर को दे दिया गया था। पर और उसी दिन क्या हुआ, हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि पहले प्रेसिडेंट यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट भी चुन लिया गया था। जैसे ही 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग फिनिश हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अनएनिमसली फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन लिया। पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब तक, जब तक जनरल इलेक्शन यानी कि पहले जनरल इलेक्शन नहीं हुए तब तक वो एज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो परमानेंट पार्लियामेंट की तरह काम करती रही। और हमारी कंट्री में सबसे पहले 1951-52 में जनरल इलेक्शन हुए थे। जनरल इलेक्शन हुए थे 1951-52 में जिसमें कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जो कि आपको पता है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ थोड़ी चीजें और बताऊंगा। फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। अब उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने 26th of November 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल टच दिया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। फिर उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करने में ड्राफ्टिंग कमेटी को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, यानी कि अगर हम बोले तो लगभग 3 साल का समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिया। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में करीबन 64 लाख यानी कि 64 लाख ऑफ रुपीज को इनकर किया, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी इनकर्ड 64 लाख रुपीज फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। इस तरीके से हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तैयार कर दिया। अब हम आपको बताएं कुछ और चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब क्या हुआ कि जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास हो गया तो हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, पर फिर भी हमारी कंट्री ने क्या किया कि हमारी कंट्री ने मई 1949 को कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ले ली। आपने देखा होगा हमारी कंट्री में कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं और वो कॉमनवेल्थ गेम्स उन उन कंट्रीज में होते हैं जिन जिन कंट्रीज पर ब्रिटिश की
ब्रिटिश की कॉलोनीज रही थी, तो इसीलिए हमने भी मई 1949 में कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ले ली। फिर उसके बाद 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट कर लिया। तो हमें 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम इन दोनों को एडॉप्ट कर लिया। मतलब मेरे कहने का यह है कि ये जो फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हमारे एसएससी, बैंक और रेलवेज वगैरह एग्जाम से रिलेटेड हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें ये पूछा जा सकता है। और हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, तो उसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली 26 जनवरी 1950 को पास कर दिया, यानी कि उसको एडॉप्ट किया और इनेक्ट भी किया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया भी मनाते हैं। अब उन्होंने 26 जनवरी ही क्यों उन्होंने चूज किया, जब उनका 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, तो उन्होंने 26 जनवरी ही उन्होंने क्यों चूज किया, 26 जनवरी उन्होंने इसीलिए चूज किया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लोगों ने, यानी कि हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने माना था कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। तो पूर्ण स्वराज की वजह से, यानी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का ऐलान करने की वजह से ही हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने 26 जनवरी को ही माना कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन एनेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फाइनली एनेक्ट हो गया। और हमारी जो टेम्पररी पार्लियामेंट थी, वो जनरल इलेक्शन 1950-1951 के बाद, 1951-1950 के बाद से क्या हुआ, वो एक परमानेंट पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी, जब एक हमारी कंट्री के लिए परमानेंट गवर्नमेंट चूज कर ली गई। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से बनी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फ्रेम किया गया और उसको फाइनली इनेक्ट किया गया। अगर फ्रेंड आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या किसी भी टर्मिनोलॉजी में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जब क्योंकि अगर हमारे कोई भी वीडियोज़ इसमें अपलोड किए जाएंगे, जिसका आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा।